राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC प्रीमियम का भुगतान क्रेडिट कार्ड से कैसे करेंगे। अपन पहले पेटीएम से LIC का पेमेंट कर देते थे तो वहां ऑप्शन आता था क्रेडिट कार्ड का, लेकिन आजकल वो वहां से हट गया है। तो आज अपन समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अपन जाते हैं गूगल के पेज पे। ये गूगल का होम पेज इस टाइप से दिखेगा। इसकी सर्च बार में अपने को LIC इंडिया टाइप करना है। LIC इंडिया टाइप करके अपने को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपने को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का होम पेज को की मेन साइट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ अपने पास इस प्रकार का होम पेज खुलेगा। इस होम पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में अपन नीचे आएंगे तो इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, जिसके अंदर पे प्रीमियम ऑनलाइन का ऑप्शन है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, पे डायरेक्ट और थ्रो कस्टमर पोर्टल। पहले अपन कस्टमर पोर्टल की बात करेंगे, बाद में उसकी भी बात करेंगे। कस्टमर पोर्टल पर क्लिक करने के बाद में ऐसा लॉगिन पेज खुलेगा। लॉगिन पेज में यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ सही सही टाइप करके साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप को अपने को स्किप कर देना है। हालांकि वेरीफाई करना रहता है ईमेल आईडी से, ये वेरीफाई होगा, लेकिन अभी फिलहाल अपन इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद में ऐसा होम पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर अपनी सारी पॉलिसियां रजिस्टर्ड रहती है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा ऑल पॉलिसीज का। ऑल पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे तो अपनी सारी पॉलिसियां अपने सामने दिखेगी। इसके अंदर अब मेरी एक पॉलिसी है, ये 17 नवंबर को ड्यू है। इस 17 नवंबर को पॉलिसी को आज अपन पेमेंट करेंगे, तो इस पर अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अपने पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें सारी डिटेल दिखेगी। इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में नीचे चेक एंड पे का ऑप्शन आएगा। चेक एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपने पास नाम और GST के साथ में क्लिक होकर पूरी डिटेल आएगी। इसको चेक एंड पे पे वापस क्लिक करना है। चेक एंड पे पे क्लिक करने के बाद में फिर ये वेरीफाई करेगा, अपना नेम, एड्रेस और पॉलिसी नंबर वगैरह सारा कुछ सब कुछ दिखाएगा। फिर वापस चेक एंड पे पे क्लिक करना है। पेमेंट का गेटवे खुलेगा। दो पेमेंट के गेटवे हैं, एक पेटीएम का है, एक बिल डेस्क का है। जो इच्छा हो उन कोई भी गेटवे पे क्लिक करके अपन पेमेंट कर सकते हैं, तो कोई भी क्लिक कर दो। उसके बाद में अपने को आज पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड से। इसके अंदर ऑप्शन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड, UPI सारे हैं। अपन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके जो इंटरफेस खुलेगा उसके अंदर अपने को कार्ड की डिटेल सारी इंटर करनी है। इंटर करने के मेक ए पेमेंट पर क्लिक करना है। वहां पे OTP आएगी, OTP डाल के अपने को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में कुछ अपने को इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा एक्नोलॉजमेंट का। यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद में ये अपने को LIC के होम पेज पे लेके जाएगा, ऑटोमेटिक ही जाएगा। होम पेज पे अपने को प्रीमियम पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। नीचे डिटेल रहेगी, प्रीमियम को इधर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये अपनी पॉलिसी भर गई है। जो दूसरा ऑप्शन था पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन का, मतलब अपन ये कस्टमर पोर्टल अपना नहीं रहता है तो उसके लिए पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर सर्च बार में अपने को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपने को इसके अंदर रिन्यूअल प्रीमियम का ऑप्शन मिलेगा। रिन्यूअल प्रीमियम पर क्लिक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें अपने को प्रोसेस करना है। प्रोसेस हो जाने के बाद में आगे अपने से डिटेल मांगी जाएगी, जो पॉलिसी नंबर, प्रीमियम का अमाउंट जो विदाउट टैक्स होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब डाल के यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में अपनी सारी डिटेल सामने दिखाई देगी, अपना नाम, पॉलिसी कब से ड्यू है, GST अमाउंट, टोटल अमाउंट सारी दिखाई देगी। उसके बाद में अपने को प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में ये वापस कन्फर्म मांगेगा। कन्फर्म के लिए चेक एंड पे पे वापस से क्लिक करना है और फिर वापस उसी प्रकार वही इंटरफेस गेटवे का खुलेगा। दो गेटवे हैं, फिर अपन जो पहले जैसी प्रोसेस की थी उसी हिसाब से अपने को प्रोसेस करनी है और इस हिसाब से अपन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।